पढ़ना चाहती है? पढ़ना तो चाहती थी पर तो छूट गया ना। मतलब बेटा क्या बिगड़ा क्या है? एक साल तो छूट गया। आप पढ़ना चाहती कि नहीं चाहती बेटी? पढ़ना चाहती हो एडमिशन कीजिए, उसका खर्चा मेरा। इनको पढ़ाई क्या नाम आपका? ज्योति कह रहा हूँ, आप पढ़िए। आपका पीछे जो खर्चा लगेगा हम लोग है, मेरा टीम है, मेरा टीम पूरा साथ है, समझे ना? ठीक है, मुझे भी अपना मामा सोचिए, मैं आपका मामा हूँ, ये घर में रहते हैं। कितने जन रहते हैं? पाँच जन रहते हैं। अच्छा, इमीडिएटली घर के खर्चा एक ट्रक बनाने का एस्टीमेट कितना होगा? जो हेल्प लगेगा हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, सुनिए ना दीदी, दीदी तो नाम कहेंगे? अगर आपका पढ़ना इच्छा होगा तो टोल खर्चा हम लोग दिया। ठीक है बेटा, एकदम कम, मैंने अभी खुद को कमजोर नहीं सोचना है। आपको मालूम है पूरा पूरी अभी नारी का ही, अभी नारी का युग, आप किसी से कम नहीं है। आपको मैं भांजी बोल रहा हूँ, मैं मामा हूँ आपका, मेरा नंबर लेके रखिए। आपको भी अब एडमिशन करना घर का तो घर का व्यवस्था मत कर देंगे। ठीक है, आज कल हो जाएगा तो जिम्मा दिलो रखी ना तो देख पा। और जॉब के लिए ट्राई कीजिए बेटा, एकदम मन सफल करना है, खुश हंसो, स्माइल करो, दुखी नहीं बेटा। जिंदगी में हमको देखिए ना, हम भी तो अंदर जिंदगी चलते रहो, हमेशा सामने रहो। ठीक है दीदी, मैं रहो मुझमार बहन की कितों में रहो। तो यहाँ घर का चर्चा में हम लोग देख लेते हैं, जो हेल्प हुई हम कर लेते। तो क्या पड़क जिम्मा लेती है? पड़क है। ठीक बेटा, शादी तो नहीं करी? ठीक माई, मोर मामा का नंबर लेके रख दो। नंबर